जब सब कुछ नया नया हो तो भाई दर्शकों को ये उम्मीद भी होती है कि कहानी में भी नयापन आएगा और उस कहानी से जो किरदार जुड़े हैं वो भी ना एकदम नए नए अवतार में नजर आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब मेकर्स ने इस सीरियल राधा मोहन में लीप किया है तब देखिए कैसे सब कुछ बदल गया है। राधा जो चोटी बनाकर इधर उधर घूमा करती थी अब उसने अपने बालों को एकदम से अलग अंदाज में खोल लिया है। तो वहीं मोहन की अगर बात करें तो वो तो पहले से भी ज्यादा जवान हो गया है। दोनों को देखकर ये कह सकते हैं कि मानो अभी अभी ये कॉलेज जा रहे हो। अब राइटर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए क्योंकि मोहन की जिंदगी में भी कोई आ गया है। तो वहीं राधा को भी युग का साथ मिल गया है। राधिका और युग का जो घर है उसके बिल्कुल सामने उनका एक और घर है जिसे वो लोग बेचना चाहते हैं और वो लोग है ना खरीदार ढूंढ रहे हैं। फाइनल हो चुके हैं, एक इंसान ने हाँ बोल दिया, उनका परिवार आने वाला है। राधिका को सिर्फ इतना पता है राधिका उस परिवार से मिली नहीं है। तो वो उस घर को डेकोरेट कर रही है, वो चाहती है कि उस घर में एक घर वाली फीलिंग आए, ऐसा ना लगे कि हाँ शिफ्ट हुए हैं, नया है, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल ना लगे उन लोग। हालांकि दोनों ने ही शादी नहीं की है लेकिन ऐसा जरूर लगेगा दर्शकों को कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए राधा ने जिस घर को सजाया है उस घर में मोहन रहने आने वाला है। उसकी सजावट देखकर कहीं न कहीं मोहन को राधा की याद आ गई है और शायद हो सकता है कि मोहन उससे मिलने की जरूर कोशिश करे। फिलहाल इतने जल्दी तो ये मिलने वाले नहीं है, थोड़ा सा तड़प पाया जाएगा दर्शकों को क्योंकि कहते हैं ना कि जब तड़प बड़ी होगी तभी ही मिलने का मजा दुगना तिगुना आ जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।